हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लूटो द सीरीज के एपिसोड 3 पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने देखा था कि मे ओन को उसे वाइप करने के लिए कहती है। अब आगे इधर मे के वांट वर्ड से सब कुछ शांत हो गया और वहाँ का माहौल स्ट्रेसफुल हो गया। ओन को नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए और वह बस मे को देखती रहती है। ओन पूछती है, आप क्या चाहती हैं? यह सुनकर मैं कहती है, प्लीज़ इमेजिन करो। इतना कहकर मैं स्माइल करती है जिससे ओन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसके बाद जैसे ही ओन कुछ करने वाली थी तो मैं अचानक पीछे हट जाती है और कहती है, मैं सोना चाहती हूँ। यह सुनकर ओन हैरानी से कहती है, क्या? ओन कहती है, तुम्हारा मतलब था कि तुम सोना चाहती हो? इतना कहकर ओन का माउथ खुला का खुला रह गया। ओन कहती है, मैंने सोचा था कि तुम सोने से पहले बात करना चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हें सुला देती हूँ और फिर मैं बातें कर लेती हूँ। यह सुनकर मे ने कुछ नहीं कहा, वह बेड पर लेट जाती है और इधर ओन बातें के लिए बाथरूम की तरफ दौड़ती है। ओन सोचती है कि वह क्या करने वाली थी, वो भी जब जब उसे कुछ पता भी नहीं है। ओन लगभग 20 मिनट तक शावर लेती रही और फील किया कि उन्होंने चेंज के लिए कोई क्लॉथ रेडी नहीं किए हैं, बट ये अच्छी बात थी कि रिजॉर्ट के अलमारी में उन्हें बाथरूम मिल गए। इसके बाद ओन एक बाथरोब पहनती है और अपने आप को वार्म रखने के लिए बेड पर ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेती है और अपनी आंखें बंद करके प्रे करती है। लेकिन तभी मैं अपनी आर्म ओन की वेस्ट पर ग्रैब करती है और उसे टाइटली हक करती है। इधर ओन फील कर सकती थी कि मैं ओन की बैक को टच कर रही थी और उसकी चेस्ट पर भी। मैं अपना फेस ओन की नेक के बैक साइड पर रखती है और कुछ विस्पर करती है। मैं कहती है, तुम इतनी देर तक शावर लेती हो? यह सुनकर ओन कहती है, पानी वार्म था लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं पहना है? इधर ओन की बात सुनकर मैं कहती है, हाँ मैं नेक हूँ। यह सुनकर ओन हैरानी से कहती है, क्या? मैं कहती है, मैंने उन क्लोथ्स को पूरा दिन पहना हुआ था इसलिए उनसे स्वेट की स्मेल आ रही थी। मैं की बात सुनकर ओन कहती है, ठीक है, अलमारी में एक और बाथरूम है, मैं उसे लाकर तुम्हें देती हूँ। तभी मैं कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस तरह स्लीप करना पसंद है। अगर मुझे सर्दी लगेगी तो मैं तुम्हें हक कर लूँगी। यह सुनकर ओन कहती है, ठीक है। तभी मैं कहती है, मैंने तुम्हें यह सब कहा और तुम अभी भी मेरी तरफ अपनी बैक किए हुए हो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैं की बात सुनकर ओन कहती है, मुझे इस तरह सोना पसंद है। इतना कहकर ओन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि आज उसे भूतों से ज़्यादा मे से डर लग रहा था जो उनके बैक साइड में सो रही थी। तभी मैं पूछती है, क्या आप प्रे कर रही हैं? यह सुनकर ओन कहती है, हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि जब भी मैं बाहर सोऊं तो प्रे करूं। ओन की बात सुनकर मैं कहती है, ओह ये बहुत ही हॉरेबल है, मैं तो डर ही गई। इतना कहकर मैं ओन के और क्लोज जाती है और उसकी नेक के पास ब्रीदिंग ले रही है। इसके बाद मैं कहती है, मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं देख नहीं सकती। यह सुनकर ओन कहती है, अगर तुम देख नहीं सकती तो तुम डरती क्यों हो? वैसे भी जो पर्सन घोस्ट को देख सकता है उसे ही डरना चाहिए। मैं फिर से कहती है, मैं बहुत डर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इधर मैं की ये बात सुनकर ओन ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचती है कि उसका क्या मतलब है। मैं कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि आज रात घोस्ट मेरा सर निगल जाएगा? ओबे मैं की बात सुनकर ओन कहती है, ऐसा करने के लिए घोस्ट का माउथ बहुत बड़ा होना चाहिए। इसके बाद मैं पूछती है, क्या होगा अगर भूत मेरा हेड लिक करेगा? तभी ओन कहती है, तुम्हारा हेड वेट हो जाएगा और क्या, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह तुम्हारा हेड लिक नहीं करेगा। ओन की बात सुनकर मैं कहती है, क्या फिर वो मुझे हर्ट करेगा? तभी ओन कहती है, ऐसा हो सकता है अगर आपके हाथ खाली हुए तो। मैं फिर से पूछती है, क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है ओबे? यह सुनकर ओन कहती है, मेरे हाथ में क्या होगा, मैं तो सोने वाली हूँ। ओन की बात सुनकर मैं कहती है, ये अच्छी बात है। तभी ओन कहती है, ऐसे कैसे? मैं कहती है, आप स्ट्रोक कर सकते हैं। यह सुनकर ओन कहती है, क्या? मैं कहती है, मैं बहुत डर गई हूँ ओबे, प्लीज़ मुझे हक करो। ये कहते हुए मैं की आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो गई। वह ओन के और भी क्लोज आती जा रही थी और इससे ओन अनकंट्रोल हो रही थी। तभी ओन कहती है, प्लीज़ सो जाओ मैं। यह सुनकर मैं कहती है, प्लीज़ मुझे हक करो, मुझे कोल्ड फील हो रही है। मैं आगे कहती है,
मुझे नींद नहीं आ रही, कम से कम मेरी तरफ टर्न तो हो सकते हो। इतना सुनकर ओन अपना कंट्रोल लूज कर देती है और मे की तरफ टर्न होती है और मे को टाइटली हग करती है और फिर मे के हेड को अपने चेस्ट पर रखती है ताकि मे विस्पर करना बंद कर दे। इसके बाद ओन कहती है, देखो मैंने तुम्हें हग कर लिया है, प्लीज़ अब बातें करना बंद करो और प्लीज़ मुझे सोने दो। इधर मे अभी भी इधर उधर मूव कर रही थी, मानो वह हारना नहीं चाहती, और अपना एक हैंड ओन के बाथरूम के अंदर डालती है। इससे ओन हैरान हो गई और मे को हक से फ्री कर दिया। लेकिन तभी मे ने ओन की नेक को होल्ड किया और अपनी तरफ पुल करती है जब तक उनके फेस क्लोज नहीं आ गए। इसके बाद मे कहती है, आज तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रही हूँ और तुम मुझसे दूर जा रही हो। इस समय मे की आवाज़ बिल्कुल अलग थी, लेकिन तभी मे कहती है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। ये कहते हुए मैं अपने लिप से ओन के चिक्स पर रब कर रही थी और गुड नाइट कहती है। ये देखकर ओन कहती है, तुम ऐसे ही सो रही हो। ये सुनकर मैं कुछ नहीं कहती। ओन फिर से कहती है, तुम थोड़ा जल्दी सो गए। इधर मैं बस सोने का नाटक कर रही थी और ओन उसे अभी भी हैरान होकर देख रही है। मैंने ओन को ग्रैब करके रखा हुआ है जिससे ओन को वैसा ही सोना पड़ा। मॉर्निंग में वे वापस आ रहे थे और ओन चुपचाप कार ड्राइव कर रही थी क्योंकि वह लास्ट नाइट को लेकर परेशान थी। ओन को चुप देखकर मैं पूछती है, तुम इतने चुप क्यों हो। ये सुनकर ओन पूछती है, क्या आप सैड हैं। मैं कहती है, नहीं। मैं की बात सुनकर ओन कहती है, जब कोई नहीं कहता है तो उसका मतलब हाँ होता है। इसके बाद दोनों चुप हो गए क्योंकि ओन को होप नहीं थी कि मैं उसे मनाने की कोशिश करेगी। इसके बाद ओन कहती है, आप कल रात भी सो गए थे और अब कार में भी सो रही हैं। ओन मे से शिकायत करती है, लेकिन इस पर मे स्माइल करती है और आंसर देती है, मैं रियल में नहीं सो रही हूँ, बस अपनी आंखें बंद की हैं। इसके बाद मे कहती है, अगर मैं सो गई तो तुम क्या करोगी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी। ये सुनकर ओन कहती है, तुम्हें मुझे मनाने की बात करनी चाहिए। ओन की बात सुनकर मे कहती है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो। इतना सुनकर ओन दूर तक रोड को देखती है और फिर मे की तरफ देखती है जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जैसे उसे ओन की केयर नहीं है और इससे ओन को सैड फील होता है। करीब 3 घंटों के बाद वे घर पहुँचे और मे रिलैक्स फील करती है और इधर ओन सैड होने के कारण वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। तो मे उसे रोकते हुए कहती है, क्या आप बात करने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। मे की बात सुनकर ओन कहती है, हम 2 दिनों से साथ हैं, मैं बोर हो गई हूँ। ओन ऐसा इसलिए कह रही है कि वह अभी भी थोड़ा नाराज है। ओन कहती है, मुझे नींद आ रही है। ओन की बात सुनकर मैं कहती है, तो फिर यह आप पर डिपेंड करता है। इतना कहकर ओन अपना फेस नीचे करके शिकायत करती है। ओन को ऐसे देखकर मैं कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। इधर यह सुनकर ओन हैरान हो जाती है और मैं की तरफ देखती है। ओन पूछती है, आपको कैसे पता। यह सुनकर मैं कहती है, क्योंकि आप ऐसा कर रही हैं, तुम क्या कहना चाहती हो। मैं की बात सुनकर ओन कहती है, कुछ नहीं। तभी मैं कहती है, प्लीज़ बताओ क्या बात है। ओन कहती है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, ओन ने क्लियर कहा। यह सुनकर मैं कहती है, बट आप नाराज़ क्यों हैं। मैं की बात सुनकर ओन कहती है, कल रात के लिए। जैसे ही ओन ने यह कहा मैं ज़ोर से हंसने लगी। मैं कहती है, तुम शिकायत करते हुए भी कितनी प्यारी लग रही हो। मे का ऐसा बिहेव देखकर ओन कहती है, मैंने अभी आपसे शिकायत की है, प्लीज़ थोड़ा तो सैड फील करिए। यह सुनकर मे कहती है, अच्छा मैंने तुम्हें कैसे परेशान किया। मे की बात सुनकर ओन कहती है, कल रात जो आपने मेरे साथ किया, मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, ओन ने धीरे से कहा। ओन आगे कहती है, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे टीज कर रहे थे और मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे और फिर खुद सो गई। ओन की बात सुनकर मे स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैंने तुम्हें अट्रैक्ट किया बहुत ज़्यादा, बट तुम ही थी जो कुछ नहीं कर रही थी, तुम तो बस प्रे करती रही। इसके बाद मैं कहती है, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। यह सुनकर ओन कहती है, बट आप तो देख नहीं सकती, तो फिर मुझे कैसे देख रही हो। ओन कहती है, तुम बहुत बुरे हो, क्या तुम्हें डर नहीं था कि तुम्हें इससे हर्ट हो सकता है। ओन की बात सुनकर मैं कहती है, लेकिन तुम तो हर्ट नहीं दिख रही हो। यह सुनकर मैं कहती है, बट ये आपके लिए अच्छा है। इधर मे की ये बात सुनकर ओन कहती है, ठीक है तो मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर ओन टर्न होती है जैसे वह नाराज़ है,
बट मैं जल्दी से उनकी शर्ट को पीछे से होल्ड करती है और फिर उसे हग करती है। मैं कहती है थैंक यू, मैं रियल में हैप्पी हूँ। और इधर ओन नाराज़ होना छोड़ देती है क्योंकि मैं की स्वीट आवाज़ से उसका हार्ट मेल्ट होता जा रहा था। इसके बाद मैं कहती है या आपका मूड इतना जल्दी चेंज हो गया। मैं कहती है मैं सच में हैप्पी हूँ। जब से मैं ब्लाइंड हुई हूँ तब से अब तक ये सबसे अच्छा टाइम था। हमें कभी इस तरह एक साथ बाहर जाने का मौका नहीं मिला। जैसे लेट कर स्टार्स को देखना, हवा को अपने फेस पर फील करना। मैं की बात सुनकर ओन कहती है ये मेरे लिए भी स्पेशल था। इतना कहकर ओन मैं के हाथों को धीरे से रब करती है जो उसे हक करके रखी हुई थी। ओन हैप्पी थी कि उसकी वजह से मैं भी हैप्पी थी। ओन कहती है यह मेरे लिए भी हैप्पी टाइम है, हालांकि मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा नाराज़ भी थी। इतना सुनकर मैं आगे झुक जाती है। हालांकि वे एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहे हैं लेकिन फिर भी ओन समझ सकती है कि मैं उसे हैप्पी करने का ट्राई कर रही है। मैं कहती है नेक्स्ट टाइम। ये सुनकर ओन हैरानी से कहती है क्या नेक्स्ट टाइम भी होगा। ओन की बात सुनकर मैं कहती है क्या अब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। तभी ओन कहती है नेक्स्ट टाइम क्या होगा, प्लीज़ अपनी बात को पूरा करो। ओन की बात सुनकर मैं स्माइल करते हुए कहती है नेक्स्ट टाइम मैं श्योर करूँगी कि आप अच्छा फील करें। तो दोस्तों ये था प्लूटो द सीरीज़ का एपिसोड 3 पार्ट 2। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।